नामपंथी यानी जो सिर्फ अपने वंशवादी नेता का नाम जपते रहते हैं, वामपंथी यानी जो विदेशी विचारधारा को भारत पर थोपने की कोशिश करते हैं, दाम दमनपंथी यानी जो धन और बाहुबल की ताकत पर सत्ता पे कब्जा करते हैं, और विकासपंथी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ देश के 130 करोड़ नागरिक, उनका कल्याण, उनके विकास यही प्राथमिकता हो, जिसके लिए दल से बड़ा भी देश होता है। 2019 में दिया हुआ आपका वोट देश को समृद्ध शक्तिशाली बनाने में एक बड़ा कदम होगा। भाइयों और बहनों, याद रखिए, कांग्रेस, सपा, बसपा ने हमेशा लोगों को आपस में जात पात पंथ के नाम पर भिड़ाया, सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया है। इन पार्टियों के जितने भी बड़े चेहरे हैं, कुछ दशक पहले उनकी स्थिति क्या थी याद रखिए, आज वो कैसी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं ये भी देखते रहिए। भाइयों बहनों, आपके सामने ये जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं और गुजरात जैसे समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री रह के आया हूं। 5 साल से आपने प्रधान सेवक के रूप में काम दिया है। 18 साल बहुत लंबा समय होता है। इस व्यक्ति के ऊपर एक दाग लगा है क्या? एक दाग लगा है क्या? कहीं मेरे संपत्ति की चर्चा हो रही है क्या? मेरे कोई फार्म हाउस की चर्चा हो रही है क्या? विदेश में मेरे कोई बंगले की चर्चा हो रही है क्या? मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया हो चर्चा हो रही है क्या? मेरे भाई भतीजे को बड़ा किया ऐसी कोई चर्चा हो रही है क्या? देश को इससे सिवा क्या चाहिए भाई? और इन सब का देख लीजिए, 2 साल 5 साल मौका मिल जाता है, पूरे रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार रातों रात माला माल हो जाते हैं। ये पैसे गरीबों के होते हैं, ये पैसे ईमानदार लोगों के होते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं तो मेरे गरीब भाइयों के हकों के लिए लड़ता हूं। अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं तो मैं देश के ईमानदारों के सामने एक दीवार बनकर उनकी मदद करने के लिए खड़ा होता हूं। भाइयों, आज पूरा देश मोदी को क्यों प्यार करता है? आज धूप में खड़े रह करके आप मोदी को आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? भाइयों बहनों, देश जिस ईमानदारी की तलाश में था, देश जिस समर्पण की तलाश में था, मोदी ने देश की इस भावना को समझा है और उसको जीने के लिए अपना जीवन लगाया है। और इसलिए भाइयों बहनों,
और उनको उनको परेशानी यही है कि मोदी को कुछ होता क्यों नहीं है। अरे मोदी को कुछ नहीं होगा, ये 130 करोड़ देशवासी दीवार बन के खड़े हैं। भाइयों बहनों, दो दिन पहले ही मीडिया ने खुलासा किया है कि कैसे कांग्रेस के नामदार ने, ये खेल समझिए दोस्तों, ये बड़े चाव से अमेठी और रायबरेली पकड़ के बैठे हैं, कैसे खेल खेले हैं? मैं कच्चा चिट्ठा निकालना चाहता हूं। ये कांग्रेस के नामदार ने अपने ही बिजनेस पार्टनर को, अपने ही करीबी दोस्त को रक्षा सौदे दिलवाए। इन नामदारों को कभी ये ध्यान नहीं रहा कि कभी गरीबों को घर दिलवा दे, उनके लिए शौचालय बनवा दे, उनके घरों में बिजली कनेक्शन लगवा दे। इन नामदारों ने गरीबों की जरूरतों की कभी परवाह नहीं की, लेकिन अपने बिजनेस पार्टनर की ये लंदन से लेकर दिल्ली तक ये चक्कर काटते रहे, दौड़ते रहे। अब इसलिए ही उनके अपने क्षेत्र के लोगों ने, उन्होंने वहां से भगाने पर मजबूर कर दिया है। साथियों, इन महामिलावटी लोगों ने सत्ता को हमेशा अपनी दौलत बढ़ाने का जरिया माना है, जबकि हमारे लिए सत्ता देश के लोगों की सेवा का माध्यम रही है। भाइयों और बहनों, जब इन्हें सत्ता मिलती है, ये उत्तर प्रदेश का एम्बुलेंस घोटाला, एनआरएचएम घोटाला देते हैं, जब हमें सेवा का मौका मिलता है तो हम आयुष्मान भारत शुरू करते हैं, जन औषधि स्टोर खोलते हैं। जब इन्हें सत्ता मिलती है तो ये शहरों और इलाकों में जाति के हिसाब से बिजली सप्लाई करते हैं, भेदभाव करते हैं। जब हमें सेवा का मौका मिलता है तो हम सामान्य नागरिक को 24 घंटे बिजली देने का प्रयास करते हैं। जब इन्हें सत्ता मिलती है तो एक गरीब को घर देने में भी भेदभाव करते हैं, वोट बैंक का ख्याल रखते हैं। जब हमें सेवा का मौका मिलता है तो हम सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। हर बेघर को घर देना, यही हमारा मंत्र होता है। जब इन्हें सत्ता मिलती है तो ये कोयला घोटाला कर जाते हैं। जब हमें सेवा का मौका मिलता है तो हम हर गरीब के घर में उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाते हैं। जब इन्हें सत्ता मिलती है तो चीनी मिलों को कोड़ियों के भाव दाम बेचकर करोड़ रुपये की कमाई करते हैं। जब हमें सेवा का मौका मिलता है तो हम बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चलवाने का प्रयास करते हैं। जब इन्हें सत्ता मिलती है तो ये भर्तियों में भी घोटाला कर जाते हैं, नौजवानों को धोखा देते हैं। जब हमें सेवा का अवसर मिलता है तो हम ग्रुप सी ग्रुप डी नौकरियों के इंटरव्यू खत्म करते हैं, भ्रष्टाचार भी खत्म करते हैं, बिचौलिए खत्म करते हैं। साथियों, जब इन्हें सत्ता मिलती है तो कानून व्यवस्था चौपट हो जाती है। व्यापारी से लेकर दुकानदार तक डर डर के जीता है। जब हमें सेवा का अवसर मिलता है तो गुंडे और बाहुबली अपनी जमानत रद्द करवाकर खुद जेल में सुरक्षा का माहौल सुनते हैं।
भाई और बहनों, हमारी सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए इसी सेवा भाव से काम किया है। हाँ, आपके इस चौकीदार की वजह से इनके कई तरह के खेल बंद हो गए हैं और इसलिए ये तिलमिलाए हुए हैं। मेरे खिलाफ कितने ही तरफ की साजिश रच रहे हैं, लेकिन जिस पर आपका आशीर्वाद हो उसे ये सारे महामिलावटी मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। साथियों, आज यहां से मैं अपनी मुस्लिम बहनों को और पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आज दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में 3 तलाक की परंपरा नहीं है। वहां बेटियों को 3 तलाक के नाम पर बर्बाद नहीं किया जाता है। मुस्लिम देशों में भी नहीं होता है। हम भी भारत की मुस्लिम बहनों को वही अधिकार देना चाहते हैं जो दुनिया के मुस्लिम देशों में बहनों को मिला हुआ। ये अधिकार उनकी भावनाओं, उनकी संस्थाओं के अनुरूप ही देने वाला कानून हम पार्लियामेंट में लाए हैं। हम किसी की भी धार्मिक भावना का अनादर नहीं करते, हम सिर्फ भारत के संविधान के अनुसार चलते हैं। और भारत का संविधान पुरुष और स्त्री हो सबको समान अधिकार देता है। हम महिलाओं को भी समान अधिकार मिले, मानवतापूर्ण न्याय हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसके साथी ये महामिलावटी लोग इन बहनों जो 3 तलाक के कारण बर्बाद हुई है, जो नौजवान बेटियां जो 3 तलाक से कांप रही है, उनको डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये 3 तलाक के खिलाफ जो हम कानून लाए हैं उसको रोकने के लिए ये महामिलावटी लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास देता हूं, मैं ऐसे लोगों को सफल नहीं होने दूंगा। साथियों, ये लोग कितने मौका परस्त हैं, इस बात को भी हमेशा याद रखिए। भाइयों और बहनों, जब बुआ बबुआ